आने रही शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूं किसी के बाप से। और आई हुए मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और घर में जो मेरी पर्दा नशीन माय वंस सुन रही होगी, तो अस्सलाम वालेकुम सभी को। आज रहमानिया कॉलोनी, कल चंपा चौक पे बाउंड्री मारा था, अल्लाह के फजल करम से आज बाउंड्री के बाहर सिक्सर मारी है। ये शक्ति कपूर सिर्फ बातें करता है और ऐसी बातें करता है कि बोले अकबर आए थे ना, अकबर बादशाह बोल आए थे, अकबर बादशाह उन्होंने टेस्ट मैच खेला, बोले अब 2020 खेलेंगे। अरे बच्चे, तू अंडे में की जर्दी है मेरे सामने, तू क्या 2020 खिलाएगा और 23 तारीख को तो क्लीन बोर्ड हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पिछले 2014 में यहां से एमआई लड़ी, बीजेपी लड़ी और उसके बाद बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद 2019 में फिर एमआई बीजेपी लड़ी, फिर बीजेपी की जीत हुई और अब बीजेपी के अब्दुल सादे को दफन करने का वक्त और समय आप लोगों के हाथ में है। आप लोग अगर पूरी ताकत से, मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे पर्दा नशीन मां बहने सुन रही है, तो अभी अमित भाई ने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले 35 से 40 हजार वोट हमारे साथ है। एक बार डॉक्टर 4.5 हजार वोटों से हारा, एक बार 11 हजार वोटों से हारा, तो अब हमारे पास अल्लाह के फजलो करम से 35-40 हजार वोट दलित समाज के है और मेरी कौम और मिल्लत, नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी मां बहने अफसर खान को अगर वोट देती है तो अतुल साहब को गाड़ने का काम मैं करूंगा। अतुल साहब और सब लोग विधानसभा में अगर मेरे को भेजते हैं तो कसम खुदा की वो देर फुटिया नारायण राणे का बेटा अगर वहां मिलेगा जो मस्जिदों में घुसने की बात कर रहा, उसको एक मार के एक फीट का कर दूंगा, एक फीट का कर दूंगा। आप लोगों के ताकत की जरूरत है, हिम्मत बहुत है, जिगरा बहुत है, लेकिन मुझे ताकत की जरूरत है। आपने देखा होगा पिछले 25 साल से मैं सभागृह के अंदर सेना और बीजेपी से लड़ रहा हूं। हुकूमत चाहे सेना की हो या बीजेपी की हो या महाविकास आघाड़ी की हो, अफसर खान किसी के बाप से डरता नहीं, टेबल पे हाथ करके भाई मोहम्मद पैगंबर का दिल जो आदरणीय बाला साहब ने डाला था, जब तक के आप लोग अगर सुनके देते हैं तो कसम खुदा की वो फिर जब तक पास होता नहीं सभागृह चलने नहीं दूंगा। आपने देखा ना, ये शक्ति कपूर बोलता है, क्या बोलता है, संबंधित नहीं, निजामाशी माझे काय देणं घेणं आहे, तर हे कुणाचं नाही, अस्सल महाराष्ट्रीयन, मी अस्सल महाराष्ट्रीयन आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे, मी बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा आहे, मी संविधानाला मानणारा आहे, तर कृपा करून माझा संबंध हे सगळं यांच्याशी जोडून देखिए। आप लोग औरंगजेब रहमतुल्ला आले, जिसने 50-40 हिंदुस्तान पे हुकूमत की, वो बोल रहा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से मेरा कोई संबंध नहीं। अरे तो मेरी कौम और मिल्लत भी तेरे से क्या संबंध रखेगी? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से अगर कोई तेरा संबंध नहीं है तो मेरी कौम और मिल्लत तेरे से क्या संबंध रखेंगे? तू ऐसा बोल रहा है कि खैरे औरंगजेब रहमतुल्लाह आले गेले मेले संभले। अब सुन मैं क्या बोलता हूं तेरे को, तू बन के आमदार आला, खासदार आला, आता तू भी आला गेला, तुझा विषय आता इथे अल्लाह जब मेहरबान होता है ना, शक्ति कपूर गदा भी पहलवान हो जाता है। मेरी मां बहने जब रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, नौजवान साथी और उनके गोद में छोटे छोटे बच्चे, तो अल्लाह ताला ने सुना और अफसर करके पूरे कोर्ट में सब और अल्लाह ने मुझे खड़े किया था। आपको बता दू, वो रमेश पाटिल का मेरे को फोन कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों ने भी सुना होगा, एक वॉइस अफसर खान था जिसने बोला कुल मोहर डाल ली,
और सड़कों पर 40 से 50 बच्चे बरोड़ा छट्टी में उठाके बांध के रखे और उन्होंने पुलिस की गाड़ी चलाई, उन्होंने पकड़ा करा मेरे नौजवान साथी कई गुना थे। पुलिस स्टेशन के सामने हार गए, होटल के पास में इफ्तारी का प्रोग्राम था, वहां पर खारा खजूर खा रहा और बोला खाते रहो हंसते रहो। कितनी शर्म की बात है, मां बहने मां रो रही है, चिल्ला रही है, बच्चे जेल में ठोसे गए और ये बोला इंजॉय करो, खाते रहो हंसते रहो। इस शक्ति कपूर को वो मुसलमान वोट देगा जिसका जमीन मर चुका है, वो मुसलमान वोट नहीं देगा आज जिसका जमीन जिंदा है। मैं तो ऐसा समझता हूं, आप लोग अगर इसको वोट देते हैं और ये फिर मुसलमानों के बदनामी करता है और फिर मुसलमानों को जेल में ठोसने की बात करता है और फिर मुसलमान बच्चे नशा कर रहे बोलता है, तो क्या आप लोग ऐसे शक्ति कपूर को वोट देंगे मेरे भाई हो? देंगे मेरे भाई हो? मैं समझता हूँ नहीं देंगे। अल्लाह के फजल करम से देखो, अल्लाह ताला यही बनाए दुनिया में बताएगा, आज ही देख लेते ना तो ऐसा चला अल्लाह की मार और गरीब लोगों की बदुआ है तेरे को और यतीम यसीरों की तो जो जगह खा रहा है, यतीम यसीरों का जो हक मार रहा है वो तेरे को भरना यही भर रहा है। लेकिन आप लोगों ने और दूसरी बात मैं बता दूं कि वो यूपी में जाके 100 सीट उन्होंने लड़ाया, कितने सीट? 100 सीट लड़ाया और वहां पर अखिलेश यादव का मैं बोल रहा हूं बल्कि नहीं आपको भी मालूम है, गूगल पर जाके देख लो, 80 सीट इन्होंने गिराने का काम किया और वहां पे वो टकले योगी को लाया, वो टकला योगी उसको लाने का काम इन्होंने किया। हाँ देख लो, अगर वहां अखिलेश यादव चुनकर आता था, अखिलेश यादव अगर वहां चुनकर आता था तो क्या मेरा भाई अतीश मरता था? मेरा भाई अशरम मरता था? मेरा भाई मुख्तार अंसारी मरता था? आजम खान के ये हाल होते थे? तो ये एक फ्लैशबैक में जाओ, योगी लोकसभा में इन्हीं लोगों के नाम से रो रहा था, चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वीडियो देख लो, तो उसको लाने का काम ये दोनों भी किए। इनके खिलाफ अगर कोई खड़ा रहा तो मुनाफिकी हो जाता, इबलीस हो जाता, इनको गिराने के लिए खड़ा हो जाता। अरे ये तो पूरे देश में पूरे दिग्गज नेतों को गिराने का काम कर रहे और बीजेपी को लाने का काम कर रहे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने देखा होगा अभी हैदराबाद में 4 मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे थे, कितने? 4 मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे थे, अजरुद्दीन शफीर अली जो 10 साल डिप्टी सीएम था केसीआर की सरकार में, ये चारों मुसलमानों को इन्होंने गिरा चुके हैं और चारों मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार दिए। अब कौन मुनासिबीन है, कौन मीर साजेक और कौन मीर जाफर है, बोलो मेरे भाइयों। ये शक्ति कपूर यही लोग हैं। और दूसरी बात, कोशा महल जहां पर दारो सलाम उनके हल्के में आता है, राजा सिंह वहां से खड़े होता है, राजा सिंह के खिलाफ ये कैंडिडेट नहीं लेते क्योंकि ये उनका भौमैया बोलता है, छोटा साला बड़ा साला, छोटा साला बड़ा साला, तो भौमे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते। कितनी शर्म की बात है, जहां पर गोशा महल में इनका दारुसलाम हेडक्वार्टर है वहां पे उम्मीदवार नहीं देते। एक मेरे भाई ने वहां से उम्मीदवारी मांगी थी लेकिन उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया, उम्मीदवारी नहीं दी। तो आप लोग सोचो समझो ये कितना गेम खेलते हैं। अभी इन्होंने बोल रहे हैं ना कि मिसको गिराने के लिए 20 मुसलमान खड़े हैं। अरे शक्ति कपूर तू पहले गिरावा खाता है, तू खुद अपनी पार्टी में बोल रहा, तू खुद कटकर गेट के ऊपर बोल रहा कि मेरी अगर नियत में खोट है, मेरी अगर नियत में खोट है तो अल्लाह ताला मुझे कभी चुनके नहीं देगा और अगर मेरी नियत में खोट नहीं है तो अल्लाह ताला रास्ता बना देगा। तो उसकी नियत में खोट नहीं बोल के खासदार गिर गया, अब वो खुद बोल रहा अल्लाह ताला उसको अंधार में भी गिरा देगा और अल्लाह ताला अंधार में गिराने के बाद में वो नगर सेवक के लिए गड़ा रहेगा कानपुर, क्योंकि उसकी लालच है ना, उसके मुंह को खून लग गया, ताकन जो खून पीती है वो भी एक घर छोड़ती है, जो डाकन खून पीती है वो भी एक घर छोड़ती है, लेकिन ये डाकू एक भी घर नहीं छोड़ता। और रामगिरी महाराज आपने देखा होगा लाइन में लगा के खासदार के इलेक्शन लड़ रहा तो उसके दर्शन लेने के लिए गया, आप लोगों ने देखा फोटो, और एक एक फोटो मेरे पास है, उसके आश्रम का उद्घाटन, उसके आश्रम का उद्घाटन उसने किया, वो बोला ना मैं कभी रामगिरी से नहीं मिला, कितना छूट कितना मक्का, और डॉक्टर ने एक अच्छा नाम दिया उसको चीटर।
चीटर तो सही चीटर है, सही चीटिंग करता है ये। आप लोगों ने देखा होगा अभी फोटोज आ गई, नहीं आई तो मैं बताता हूं आप लोगों को। आई देखे आपने उसका आश्रम का उद्घाटन करना होगा, निधि दिया 50 लाख रुपए किसने, और बोला मैं कभी मिला नहीं, अगर ये पाखंडी मेरे को मालूम होता तो मैं उसके पास जाता नहीं। अरे तू तो वोट के लिए घंटिया बजा रहा, राम राम अपना कर और आपने देखा होगा अभी अखबारों में से 4-5 करोड़ पे आए थे, देखा ना आप लोगों ने, अगर वहां जाके नहीं देखा होगा तो वीडियो यूट्यूब पे तो देखा होगा। अब वो क्या बोल रहे, कितनी बड़ी बात बोल रहे, देखो मराठवाड़े में रहने वाला हर इंसान, मराठवाड़े में रहने वाला हर इंसान मराठा है, मराठवाड़े में रहने वाला हर इंसान मराठा है। तो हम आप सब क्या मराठे हैं, मराठे है बोल रहे हैं, आप इसका वीडियो देखो ना, मराठे बोल रहा। अरे हम मर जाएंगे लेकिन हमारे धर्म को छोड़ेंगे नहीं, हमारा इंसान धर्म है, तुम अपने वोटों के लिए कुछ भी करो। और औरंगाबाद धाम में आपने देखा होगा, औरंगाबाद अगर मैं अगर नगर सेवक है यहाँ का, अगर यहाँ कोई नाम चेंज करना है या चौक को कोई नाम देना है तो मेरी ये दोस्ती लगती है। ये औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद जिले का नाम चेंज हो गया तो इसकी क्या दोस्ती नहीं लगी, अगर राइटिंग में नहीं होगा तो उधर भी इसमें बनाऊंगा। और वहां से जब औरंगाबाद यहां से मैं मानता, यहां से महाविकास आघाड़ी ने प्रस्ताव मंजूर करके सेंटर को भेजी, सेंटर में जाने के बाद नोटिफिकेशन लगता है एक महीने का नोटिफिकेशन लगता है। इसने क्या एक महीने में नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं, और एक महीने का नोटिफिकेशन लगने के बाद जब सिक्का मुर्तब हुआ, औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया, उसके बाद वहां से आके उसने यहां ट्रेन गाड़ा। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है, कलेक्टर के पास तेरे को ट्रेन गाड़ने की जरूरत क्या है, नौजवान साथियों की किसका भूल कर रहा है, और तूने वहां से बैग भर के लाया। स्पष्ट मैं बोलता हूं नाम चेंज करने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो ये शक्ति का भूखा है, इसलिए नाम चेंज किया, क्योंकि खासदार था या एमपी था, इसके रहते हुए नाम चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाम चेंज करने में पूरा पूरा इसका हाथ है, बैग भर के लाया और नाम चेंज कर दिया, तो कितनी शर्म की बात है। ये सब कुछ गांधी जी करता, गांधी हाथों से पैसा लेते, इसके सामने जब पैसा आता है तो इसको खौम और मिलने से कुछ लेना देना नहीं, इसको अरुण भोटे से कुछ लेना देना नहीं, इसको डॉक्टर से कुछ लेना देना नहीं। अभी आप पहले तो मैं बोलता था कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। मेरी दुश्मनी आप लोगों को बता दो, ना असद अवेसी से है, ना अकबर अवेसी से है, ना शक्ति कपूर से है। मेरी दुश्मनी जो पूरे हिंदुस्तान में मेरी कौम और मिल्लत पर जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। बड़ेगांव का मसला हुआ, अफसर खान डगे की चोट पर खड़ा हुआ है। कटकट गेट का मसला हुआ, अफसर खान डक्के की चोट पर खड़ा हुआ है। आपने देखा हुआ खासदार के इलेक्शन होने के बाद दौलताबाद में मसला हुआ हिंदू मुस्लिम का, वहां भी अफसर खान खड़ा हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। ये तो पलट के देखा था गया, कुछ नहीं क्या, अफसर खान हर बार कौम और मिल्लत के साथ खड़ा है। जब तक के मेरे जिस्म में खून है, जब तक के मेरे जान में जान है, नौजवान साथी पुत्रों को दोस्तों समापन के लिए अफसर खान राज ठाकरे कह रहा है, ये राज ठाकरे अफसर खान सिर ऊपर खड़ा है कि 35 से 40 हजार वोट हमारे पास है, और मेरी कौम और मिल्लत, मेरे नौजवान साथी, मेरी माँ बहने अगर मेरे को वोटिंग वन साइड करती है तो अतुल को गिराने का काम मेरी कौम और मिल्लत नौजवान साथी करिए और दलित समाज करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और आप लोग एक वादा करो मेरे से, सब नौजवान साथी यहाँ पर है, सब बुजुर्ग मेरे यहाँ पर है, मेरी माँ बहने जो घर में सुन रही है, तो एक बार पूरी ताकत के साथ अपने हाथ उठाओ,
पूरे लोग भाइयों पूरी ताकत के साथ भाई पूरे नौजवान साथी पूरे बहुत मेरी माँ जो सुन रही है बीस तारीख को चार पेपर पसंद जमा के भारी अच्छे से आपका खान को कामयाब बनाई है। आपको आप लोग